रोज ऊपर जाने वाला सुजलॉन एनर्जी का शेयर आज थोड़ा सा गिरा तो सबको टेंशन हो गया, सबको पैनिक हो गया कि भाई क्यों गिरा, क्या हो गया, कोई बैड न्यूज़ है क्या। आइए जानते हैं इसके बारे में। सुजलॉन में आज 44 रुपीज़ का हाई तो लगाया था बट वो हाई टिक नहीं पाया एंड क्लोजिंग दिया 42 रुपीज़ 30 पैसे पर, जो कि प्लस में ही क्लोजिंग थी। बट सबको जो एक्सपेक्टेशन होता है कि आज भी अपर सर्किट लगाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है? उसका सिंपल रीज़न ये है फ्रेंड्स कि शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है। इसका RSI ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुका है, 85 पर RSI पहुंच चुका है, जबकि जनरली 80 से ही शेयर बैक करके नीचे जाता है RSI करेक्ट करने के लिए। बट RSI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने आपको कल परसों के वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। करेक्शन मतलब देखिए, आज अगर कुछ लोगों ने हाई रेट में बाय किया होगा तो उनको लॉस हुआ होगा, बट जनरली कल तक जिन लोगों ने बाय किया है उनको लॉस तो नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बट आप में से काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे सुजलॉन के शेयर को पकड़ के। कुछ लोगों ने आज घबरा कर बेच भी दिया होगा कि भाई जितना प्रॉफिट मिल रहा है ले लेते हैं। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आज देखने को मिली। वॉल्यूम तो ज़बरदस्त हुआ, करीब करीब 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है BSE और NSE मिलाकर, तो 18 करोड़ का वॉल्यूम कम नहीं होता है। तो आज आप में से काफ़ी लोगों ने ये सोचकर बेच दिया कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कल जाके लोअर सर्किट लग गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, वो चक्कर में भी काफ़ी लोगों ने आज बेच दिया होगा। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करना चाहिए। और कोई भी शेयर लगातार आप सोचोगे कि भाई मेरा शेयर है तो भागते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर आप सोचोगे कि ओरिएंट ग्रीन पावर तो कंटिन्यू भाग रहा है तो ब्रैडकॉम को भागने को क्या तकलीफ है। फ़र्क ये है कि ओरिएंट ग्रीन पावर का PE देखोगे आप तो अभी 70 के आसपास चल रहा है, और सुजलॉन का PE बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, और RSI भी बहुत ज़्यादा होने के कारण। देखिए, आज आपने पॉजिटिव ये सोचना चाहिए कि इसमें आज लोअर सर्किट नहीं लगा, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में जबकि ये शेयर BE में है, स्टेज 4 में ASMK, तो इसमें बहुत ही आसान था लोअर सर्किट लगना घबराकर, और उसके बावजूद भी इसमें बाइंग लगातार चल रही थी। तो ये थोड़ा ऐसा भी पॉसिबल है कि साइडवेज जाएगा कुछ दिनों तक, RSI करेक्ट करेगा और फिर नई रैली के लिए तैयार हो जाएगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ये सब चलते रहता है, कोई भी शेयर लगातार चलता नहीं है। आज इसमें लोअर सर्किट नहीं लगा, यही बात को आपने पॉजिटिवली लेना चाहिए। और थोड़ा सा मार्केट में भी थोड़ा सा एक डर का माहौल था कि मार्केट थोड़ा आज करेक्ट होगा, निफ्टी और सेंसेक्स, उसका भी असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। हालांकि बाद में मार्केट रिकवर हो गया, बट सुजलॉन के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज प्रॉफिट बुकिंग की होगी, वो भी एक रीज़न है। दूसरा, इसका RSI करेक्ट होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हाई RSI पे चल रहा है शेयर अभी, तो हो सकता है कुछ दिनों तक साइडवेज जाए या थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो और बाद में फिर से नई रैली के लिए तैयार हो सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप होल्ड करके बंद चल सकते हो, और जिन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से करेक्शन का वेट करके फ्रेश बाइंग के लिए फिर से एंट्री कर सकते हो। तो इसीलिए ये कोई गिरा मतलब कोई क्रैश वैश नहीं हुआ है, लोअर सर्किट नहीं लगा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सुजलॉन के बारे में जो भी कमेंट्री आ रही है, जो मैनेजमेंट बोल रही है, या जो भी डेट फ्री हो गई कंपनी, तो काफ़ी बातें पॉजिटिव है। कंपनी को अप्रूवल भी मिला MNRE की ओर से, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं। बट हाँ, अगर FIDII ने कुछ सेलिंग की भी होगी तो उनका तो काम ही है इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट बुक करना, ये तो चलते रहता है मार्केट में। तो किसी FIDII ने बेच दिया इसलिए आपने भी बेच देना चाहिए या शेयर ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनका भी काम होता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करना रहता है टाइम टू टाइम, उनको भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई अपना टारगेट पूरा हुआ तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो वो भी उसके कारण भी FIDII का थोड़ा बहुत सेलिंग होता है, तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। कंपनी का शेयर को MSCI इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है तो उसके कारण फिर से तेज़ी शुरू होगी, तो घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो पार्शल या फुल्ली प्रॉफिट बुक करके एक बार फिर से स्टेबल हो जाए शेयर, थोड़ा सा नीचे जाके करेक्शन करे तो फिर से आप एंट्री कर सकते हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो सुजलॉन के कंपनी के शेयर में घबराने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन हुआ फिर भी। थैंक यू फ्रेंड्स।